हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है, बिना क्रीम के, बिना मैदा के, बिना सोडा के, बिना ओवन के और अंडे के बिना। इनमें से कुछ भी यूज़ होने वाला नहीं है। बहुत सिंपल केक है, टेस्टी बहुत ज़्यादा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये केक आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस केक को हम बनाएंगे अपने घर के सिंपल लोहे के तवे पर। आपके पास जो भी तवा, पैन या कढ़ाई हो, उस पर आप इस केक को बना सकते हैं। इसे मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने 12 पीस ब्रेड के लिए हैं, इसे तोड़कर मैं मिक्सर जार में डाल देती हूँ और इसका एक ब्रेड क्रम तैयार कर लेंगे। और इस तरह से मैंने ब्रेड क्रम तैयार कर लिया है। अब यहाँ एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसमें हम 4 कप ब्रेड क्रम डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर की जगह आप चॉकलेट सिरप भी ले सकते हैं, अगर कोको पाउडर ना हो तो। अब इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब दूसरे मिक्सिंग बोल में हम लेंगे 1/2 कप ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, बट उसमें कोई स्मेल नहीं रहने चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल। 1 कप हम लेंगे पाउडर शुगर। नॉर्मल चीनी को मिक्सर जार में मैंने पीस लिया है, वही मैं ले रही हूँ। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप दूध, नॉर्मल टेम्परेचर का उबला हुआ दूध है। इसे डाल देते हैं और लेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की जगह आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसे विस्कर की मदद से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो ब्रेड और कोको पाउडर का मिश्रण बनाया था, उसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारा मिश्रण मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस अब बैटर हमारा तैयार है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसमें हम एक सेसे इनो का डाल देते हैं। और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून दूध डाल देते हैं ताकि ये जल्दी से एक्टिव हो जाए। और फटाफट से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 केक टिन ले लेंगे और इसे ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम ये बटर पेपर लगा देते हैं। और ऊपर से भी ग्रीस कर लेते हैं। बटर पेपर आपको इजीली स्टेशनरी स्टोर पर मिल जाएगा। अगर बटर पेपर नहीं है तो केक टिन को ऑयल से ग्रीस करके उसके ऊपर मैदा छिड़क दे। केक टिन आपका तैयार हो जाएगा। अब इस बटर को हम केक टिन में डाल देते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो इस केक को आप ओवन में पकाएं 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट तक। और अगर ओवन नहीं है तो डायरेक्ट आप इसे कुकर, कढ़ाई या पैन में इस तरह से तवे पे बना सकते हैं। तो इसे हम सेंटर में ढक देते हैं और इसके बाद हम इस तरह का कोई भी लिड, स्टील का ढक्कन, कुछ भी डालकर इसे ढक देते हैं। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम 3 से 40 मिनट तक बेक कर लेंगे। बीच में हम 30 मिनट बाद चेक कर लेंगे ताकि केक बेक हुआ है कि नहीं। 40 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं, ऐसे टूथपिक से सेंटर में डालकर चेक कर लेंगे, क्योंकि अक्सर केक हम जब बेक करते हैं तो वो साइड से पक तो जाता है और सेंटर में कच्चा ही रह जाता है। तो ये टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब है केक हमारा तैयार है। अगर आपके टूथपिक अभी भी थोड़ी सी गीली आए तो इसे आप थोड़ी देर और पका सकते हैं। तो इस केक को हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे और इतनी देर में हम बहुत ही सिंपल सा चॉकलेट गनास बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक बर्तन में पानी डालकर बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब इसके ऊपर हम एक मिक्सिंग बोल रख देंगे जो इस बर्तन के ऊपर फिट बैठे। कोई भी बर्तन, कांच, स्टील ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर मैंने 20 रुपीस वाली 3 पैकेट डेयरी मिल्क चॉकलेट ले लिया है। इसे तोड़कर इस बोल में डाल देंगे। चॉकलेट मेल्ट करने का ये सबसे सही तरीका है। ये देखिए, पानी पर रखते ही ये मेल्ट होने लगा है।
तो इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून दूध और इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। पानी की भाप के कारण कुछ सेकेंड्स में ही ये मेल्ट होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ ही मिनटों में चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हुआ है, एक भी लम्स नहीं है इसमें और अब बढ़िया से चॉकलेट गनास बनकर रेडी है। ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है केक पर पोर करने के लिए। और इसी को आप थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तो ये गाढ़ा हो जाता है और जो केक पर पाइपिंग करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। केक हमारा ठंडा हो गया है, इसे केक टिन से बाहर कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है हमारा। बटर पेपर निकाल दिया है मैंने। अब इसके ऊपर हमने जो गनास बनाया है वो थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे हम इस केक के ऊपर डाल देंगे और स्पून से चारों तरफ हम इसे कवर कर देंगे। तो है ना कितना आसान इस केक को बनाना, बहुत ही सिंपल सी गार्निशिंग है। तो बस एंड में हम इसके ऊपर गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर ये जेम्स डाल देती हूँ। और ये एक जेली इस तरह की मेरे पास रखी हुई थी, इसमें छोटा भीम बना हुआ है, इसे मैं बीच में डाल देती हूँ। बच्चे तो इसे देखते ही खुश हो जाएंगे। वाओ, इसे सेट होने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, लेकिन मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं इसे काटने के लिए, तो मैं इसे अभी सर्व कर देती हूँ। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ब्रेड से इस केक को बनाया है। इसे खाने के बाद कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसे ब्रेड से बनाया। बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स, बिना क्रीम के गार्निशिंग भी हो गई और हमारा केक भी बन गया। और इसका टेक्सचर देखिए आप, अंदर से कितनी सॉफ्ट स्पॉन्जी और जालीदार है और ऊपर से ये चॉकलेटी गनास, बहुत ज़्यादा यमी बना है ये। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।